ये और करना तो ये वाला पत्थर नीचे रुक जाओ रुक जाओ पत्थर 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 अटक गया था नीचे पैर के साथ घूम रहा था। वेलकम टू वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। अब कैफे का फोटो दिखाता हूँ, बताओ भाई बताओ। हाईएस्ट मोटरेबल रोड कैफे का भाई, कैफे पे क्या खाओगे बताओ भाई। मत बोलो ज्यादा, सांस फूल रही है यहाँ पे बोलने पे भी। देखो भाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यू आर अप्रोचिंग वर्ल्ड हाईएस्ट कैफेटेरिया बीआरओ कैफे। तो भाई अभिषेक कैफे में क्या खाना बताओ जल्दी। तो मिल जाए भाई चाउमीन को एक मोमो। चाउमीन और मोमो खाएंगे भाई अभिषेक भाई। दिल्ली से आए हैं, कुरकुरा मोमो खाएंगे। कोल्ड कॉफी तू बता भाई। मैं चिकन चिंगेजी। चिकन चिंगेजी और मैं भाई जो मिलेगा वो खा लूंगा। इन्होंने अपनी फरमाइश रख दी, हमें जो मिलेगा हम वो खा लेंगे। और नेओमा 116 किलोमीटर यहाँ से, ठीक है। चलो गाइस ये ब्रिज है स्टार्टिंग पॉइंट। और भाई वो हमारे मतलब ड्राइव स्टार्ट हो गई है हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड उमलिंगला पास। और अभी अभिषेक ड्राइव कर रहा है फुल जोश में भाई। तो भाई अभी आप देखो नज़ारे उमलिंगला के, ये बोर्ड भी लगे हुए हर जगह, यू कैन मीट एवरी नीड बाय मेंटेनिंग नॉर्मल स्पीड। हाँ बिल्कुल ठीक बात है भाई, बीआरओ ये सब आपको बताते रहती है बोर्ड लगा के, ताकि आप ज़्यादा जोश में ना हो, होश में रहो। बाकी आप व्यूज देखो सारे। अब आगे मिलते हैं जो बोर्ड आएगा एवरेस्ट बेस कैंप वाला, यू आर हायर देन द एवरेस्ट बेस कैंप, तो उस बोर्ड में मिलेंगे। चलो तब तक आप ये देखो व्यूज सारे उमलिंगला एंड रूट उमलिंगला पास। भाई ये है पॉइंट जहाँ से फर्स्ट व्यू दिखता है उमलिंगला पास का। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ऊपर टॉप पर, ये जो दिख रहा है ना आपको इधर यहाँ पे टॉप पे जो वॉल दिख रही है वो है उमलिंगला पास, वहाँ पे जाना हमें। ये फर्स्ट व्यू है और यहाँ से आप नज़ारे देख लो, ये देख लो एंड रूट उमलिंगला पास हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, ये देख लो आप फर्स्ट व्यू ऑफ उमलिंगला पास, उधर जाना हमें आगे। चलो चलते हैं फटाफट, एक दो फोटो क्लिक करेंगे फिर निकलते हैं यहाँ से। ओके यू आर हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप, ये देख लो आप। अभी यहाँ फोटोज चल रही थी तो हमने सोचा वो आगे देख लेंगे, तो अभी फोटो ले लिए हमने। पहले हम सोच रहे हैं आगे हो जाते हैं उसके बाद यहाँ फोटो क्लिक करेंगे। आगे होंगे जब लिखा है, देख लो गाइस व्यूज उमलिंगला पास, 2 से 3 किलोमीटर बचा बस यहाँ से। हमारी गाड़ियाँ टिप्पर पर डंपर इसी धीरे जा रहे हैं गाइस, अभी रोड कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो बीआरओ की टीम करेगी दूसरा रोड। लो एक कच्चा रास्ता आगे तो देखते हैं एक बार, पक्का रोड मिलेगा वहाँ से राइट लेना सीधे टॉप पर पहुँच जाएंगे आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं। टॉप किधर है? टॉप ये पीछे आपको दिख रहा है ऊपर। हाँ चलो ले लो पहले 1-2 किलोमीटर का बस, ठीक है। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से उतना ही पड़ेगा, लेकिन दिक्कत ये ना आप निकाल नहीं पा, फंस जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ज्यादा, और इधर से आप आराम से निकल जाओगे। चलो ठीक है, अगर मेरे को आप थोड़ी सी भी जगह दे दो तो हो जाएगा वो, उसको साइड करेंगे ना फंस जाएगा बहुत, मतलब वजन मशीन वेट उसका बहुत ज्यादा होता है, वो साइड हो नहीं पाएगी। चलो ठीक है, एक बार मेरी बैक करा दो फिर। गाड़ी पर गाड़ी यू टर्न कर रहे हैं और क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इन्होंने कहा कि एक दूसरा शॉर्टकट है कच्चा रास्ता। चलो चलते हैं एक बार यूटर्न लेते हैं। जो सामने आपको दिख रहा है कच्चा रोड, वहाँ से बोला जाने के लिए तो वापस नीचे जा रहे हैं 2 किलोमीटर, उसके बाद उस कच्चे रोड से जाएंगे, वो सामने आपको दिख रहा है जो कच्चा रोड। चलो चलते हैं कच्चे रोड, मिलते हैं। गजी वाला कट है यहाँ पे, इन्होंने थोड़ी मार्किंग करी थी पर पता नहीं चला था कि आगे काम है, तो यहाँ से नीचे कच्चा रास्ता जाएगा, ये पूरा कच्चा रास्ता है और ये सीधा वहाँ जा रहा है पूरा, देखो वो कच्चा रास्ता, उस कच्चा रास्ते से सीधा ही आप टॉप पे जाएगा, ये देख लो आप कच्चा रास्ता है सामने, देखो लेफ्ट में पूरा जा रहा है कच्चा रास्ता, उससे जाएंगे सीधा उमलिंगला। चलो मिलते आगे, आ जाओ आ जाओ।
गाइस काफी डिफिकल्ट ऑफ रोड है जहाँ से ऑल्टरनेट रूट उन्होंने बताया है, और ये देख लो आप कैसा रूट दिया है, रियल स्ट्रगल। तो गाइड करना पड़ा बीच में, चलो। और फाइनली हम टर्मिनल रोड पे आ गए हैं, और हमें अभी राइट जाना है क्योंकि हम उमलिंगला क्रॉस कर चुके हैं। ये आगे देमचौक वाला रोड है जो देमचौक जाता है, आगे राइट उधर, हाँ हाँ उस साइड। ये आगे से इधर लेफ्ट पे चला गया देमचौक, ये देमचौक है, हमें जाना है राइट उमलिंगला की, क्योंकि हम उमलिंगला से आगे निकले और फोर्ड करके, तो अब हमें राइट जाना है, मतलब हम हैं अब देमचौक से उमलिंगला जा रहे हैं, नॉट फ्रॉम हेनले। और गाइस फाइनली वी रीच्ड उमलिंगला पास, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, माइटी उमलिंगला। गाड़ी इधर लगा दो, यहाँ दबा के लगाओ, राइट में दबाओ, इस बैटरी वाले पर लगाओ, सारे बोर्ड के साथ फोटो आएंगे, बस यही लगा दो, बस बीच में लगाओ, बीच में नहीं यही। चलो भाई उतरते हैं, ऑक्सीजन पहले पानी पी लेते हैं यार, थोड़ा सा पानी पी के उतरेंगे। माइटी उमलिंगला, देख लो गाइस, वो वेलकम्स यू टू हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, माइटी उमलिंगला 1924 में। आप देखो अगर ज्यादा भीड़ होती है तो गाड़ियां पार्क करने की भी जगह बनाई है, वर्ल्ड हाईएस्ट पार्किंग, योर एडवेंचर इज आवर डेली रूटीन, वी आर ओ। ऑक्सीजन कैफे, ये अपने यहाँ टॉयलेटरीज वो भी है, टॉयलेट भी है ताकि कोई इधर उधर ना जाए, और मेल फीमेल है अलग से उन्होंने बता रखा बिल्कुल। वेलकम टू उमलिंगला हट, वी आर एट माइटी उमलिंगला, बीआरओ कैफे, वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे, 1924 फीट उमलिंगला कैफे ओपन। ये देख लो गाइज, ये देख लो सब गाइज, गाड़ी अपनी खड़ी है इधर, ये व्यू देखो आप, ये इधर हेनले से आता है बट हमें ऑफ रोड करना पड़ा इसलिए हम देमचौक की तरफ से आए हैं। ये देखो आप, मेरी फोटो लो इधर, एक सेकंड फोटो सेशन अभी चालू होगा, ये देख लो आप व्यू, व्यू फ्रॉम माइटी उमलिंगला। गाइस ट्रैवल इंडिया बाय रोड, Love Travel Love Drive, join us Facebook groups Love Travel Love Drive। भाई अभिषेक ऑक्सीजन आ रही है दिखाओ, 85 ऑक्सीजन आ रही है अभिषेक की, भाई पूरा तंदुरुस्त आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभिषेक भाई आपकी क्या रिएक्शन है, आपने मेरे को घर से ये बोलते आ रहे हो कि कैफे में कुछ नहीं मिलेगा, खाली डब्बा मिलेगा कैफे, कुछ नहीं होगा, नाम का कैफे है, तो आपकी क्या रिएक्शन है? आपने जो लंच नहीं कराया ना, मैं यहाँ बहुत खुश। सो भाई आपके क्या वर्ड्स है उमलिंगला के लिए? बीआरओ ने बहुत ही औसम काम किया है यहाँ पे, कमाल का काम किया है। ठीक है, आपके क्या वर्ड्स है बीआरओ के लिए? हैट्स ऑफ। ठीक है, आपके क्या वर्ड्स है व्लॉगर साहब? ये शब्द है कि ये जो हिंदुस्तान ने जो तरक्की करी है, हाँ, जो चाइना को हम टक्कर दिए बारे में, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडियन आर्मी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भी है आपका भी आर्मी, बिल्कुल बिल्कुल, राइट हैंड से ऐसे सैल्यूट है। बिल्कुल 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 गाइस, इन फौजियों की वजह से। और गाइस सबके आपने व्यू सुने, मेरा भी व्यू यार, हैट्स ऑफ टू बीआरओ। हैट्स ऑफ क्या यार, मतलब बिल्कुल नीचे लेट जाए ना बीआरओ के लिए, वो भी कम है। बीआरओ ने आज बीआरओ की वजह से हम यहाँ खड़े हैं भाई, जो व्लॉग आप देख रहे हो, रोड इतने टर्मिनल रोड बने, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर बीआरओ, फ्रॉम बीआरओ, मतलब बीआरओ की वजह से हमारे यहाँ खड़े हैं, वरना यहाँ पहुंचना क्या, सोचना भी इम्पॉसिबल है भाई, मतलब सोचना भी कोई नहीं बनता कि यहाँ वहाँ आके कैफे में खाना खाओगे, मतलब क्या बताऊं, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है यार बीआरओ के लिए। हैट्स ऑफ टू बीआरओ एंड इंडियन आर्मी, हम आज पूरी चाइना को टक्कर दे रहे हैं, चाइना इस साइड में, बगल में चाइना, बट कुछ नहीं पड़ पाएगा क्योंकि हमारे पास हमारी इंडियन आर्मी, हमारे पास हमारी बीआरओ है, बीआरओ की वजह से हम इंडियन आर्मी यहाँ पहुंच पाएगी, टैंक पहुंच पाते हैं, उनकी आर्मी पहुंच पाती है, तो स्पेशल टैंक टू बीआरओ एंड इंडियन आर्मी कि हम यहाँ पहुंच पाए और यहाँ मजे कर रहे हैं। चलो गाइस कैफे में कुछ खाते हैं, मजे करते हैं। सो गाइस ये है बीआरओ कैफे और हम इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, और आप देखना कैसा है अंदर कैफे, वाओ, मतलब भाई साहब ऐसा कैफे तो दिल्ली में भी नहीं मिलता यार, ये देख लो आप, वाओ मोमोज आ गए हैं, ये देखो भाई मोमोज, देखो यार आप देखते रह जाओगे, लद्दाख द राइडर्स पैराडाइज, लद्दाख कैफे।
ये देखो गाइस ऐसा अंदर से, और ओहो देखो आपको क्या क्या मिलेगा, स्प्राइट, फेंटा, मतलब पता नहीं क्या क्या मिलेगा यार, सब कुछ मिल रहा है यहाँ जो आपको चाहिए। भाती भाती रेड बुल मिल रही है, अगर एनर्जी डाउन हो तो रेड बुल प्योर एनर्जी बनाओ। चिप्स मिल रही है भाई, चिप्स 19,000 फीट पे चिप्स मिल रही है, रियल का जूस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई, मोमोज खा रहे हैं, और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए आपको, जी ले कर ले। दैट्स अमेजिंग यार, चलो कुछ खाते पीते हैं। क्या टेस्ट है भाई इसका, चलो गाइस खा के देखते हैं एक बार। अमेजिंग यार, गॉडफादर बियर मिल रही है, बियर भी गॉडफादर है। अमेजिंग गाइस, चलो हम खाते पीते हैं, मजे करते हैं, थोड़ी देर मिलते हैं आपसे। गाइस एक आपको एक अपडेट देता हूँ, हम चाइना के कितने क्लोज है कि हमारा जो आईफोन है वो टाइम शो कर रहा है 5:30, वो टाइम हुआ है लगभग 3:30 है ओपन करना, और ये टाइम दिखा रहा है 17:36, मतलब 5:36। तो देख लो हम चाइना के कितने क्लोज है, ये देख लो। चलो गाइस अब निकलेंगे, अब इधर से जाएंगे, हम गाड़ी में सब बैठ रहे हैं, फटाफट निकलते हैं। सो गाइस जहाँ से हम ऑफ रोड करके गए थे वो बड़ा बेकार रास्ता था, और 4x4 के बाद ही काफ़ी गाड़ी स्ट्रगल कर रही थी। सो हम ट्राई कर रहे हैं अगर साइड में हो जाएं, क्योंकि हम इधर हेलने साइड से उतर के आए वापस, गाड़ी हमने पार्क कर दी है, बट देखते रिक्वेस्ट करके अगर साइड बन पाए, क्योंकि ये तो साइड में यहाँ से जगह बन सकती है, बट दिक्कत है इस मशीन की, ये मशीन अगर जगह प्रोवाइड कर पाए, दिक्कत ये है। यहाँ से अगर थोड़ा सा हमारी बात बन पाए तो देखना उसमें। आगे इधर पत्थर, ये पत्थर ज्यादा है ना इधर, अपने इधर यहाँ से हैं, इन पत्थरों पर कैसे चढ़ेगी, इस वाले से ना, तो यहाँ से अगर थोड़ी कोशिश करी जाए तो। और ये गड्ढा तो कुछ भी नहीं है, इस गड्ढे से ऊपर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको थोड़ा ऐसा प्लेन कर दो, इससे हां हां भाई, इससे आप प्लेन कर, ये थोड़े से जो बड़े, तो ये थोड़ा अभी प्लेन देखते हैं, प्लेन करवा के कोशिश करते हैं यहीं से, क्योंकि इनकी दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इनको, इनकी दिक्कत नहीं है, रहने दो इनको, यहां से तो आ जाएगी, मेन है वहां से उतरना और चढ़ना। तो एक बार ट्राई मारते हैं, थोड़े रास्ता बनाते हैं, करते हैं ट्राई एक बार, ये हटा दो, हाँ ये थोड़ा सा, धीरे धीरे लाना, ये और करवा दो, ये वाला पत्थर, ये पत्थर नीचे से में, रुक जाओ रुक जाओ, पत्थर पत्थर, पत्थर अटक गया था नीचे, पैर के साथ घूम रहा था, टूट सकता कुछ, नॉट सेफ, डिक्लेयर्ड नॉट सेफ। रीजन क्या है, अभी ना क्या वो टायर के अंदर घुस गया था वो जो शॉकर का पत्थर, ये वाला पत्थर था, ये वाला, ये पत्थर इतना बड़ा, पत्थर निकाल दो ना, पत्थर हटा दो यार, आगे भी तो पत्थर हैं, को फंसना जाए टायर के बीच में, मेरे को ये डर है, हो जाएगी, ये पत्थर फंस गया था टायर में, चलो भाई ट्राई मार रहे हैं ये पत्थर, क्योंकि टायर के पीछे अटक गया था शॉकर वाले एरिया में, ट्राई करते हैं एक मिनट, सेकंड ट्राई है, एक बार देखते हैं, ये टायर इधर लाना, आगे आगे आगे, बस बस काट लो काट लो,
धन्यवाद भाई, थैंक्स थैंक्स टू टीम बीआरओ। चलो भाई, और हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। पहले यहाँ कुछ बंदे फोटो वोटो क्लिक करे तो हम उस टाइम रुके नहीं, डायरेक्ट चले गए थे। अब आपको दिखाता हूँ, ये बोर्ड लगा हुआ है, यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप, ठीक है। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, सब फोटो इंतजार में खड़े हैं, देखो कैसे खड़े हैं। पहले ये नंबर है, दूसरे पे उसका नंबर है, तीसरे पे इसका नंबर है। मैं फोटो खींचूंगा अब वीडियो बंद करने के बाद। चलो गाइस, अभी हम उस ब्रिज से आए हैं उमरिंगला से, और हमने ये टर्न ले लिया था, बट ये जो टर्न है ये जाएगा नुरबुला होते हुए, और हमें करना है फोर्टीला। तो फोर्टीला के लिए हमें वापस जाने पड़ेगा, वो हमने अपने ऑफलाइन मैप में देखा था, दूसरा मैप दिखाया, दूसरा मैप दिखा, होल फाइल खोले पर ये देख लो आप, इसमें लिखा हुआ है इधर देमचौक उमरिंगला, ये जो सेकंड ब्रिज जो हमने ब्रिज आपको दिखाया उससे वापस जाना पड़ेगा कोयूल की तरफ, कोयूल की तरफ जाना पड़ेगा, उससे पहले फोर्टीला कटा। एक सेकंड मैं लोकल से, हमें जाना फोर्टीला पास, सो हम उधर से जाएं फोर्टीला। ओके थैंक यू, सो कंफर्म हो गया लोकल से भी, ओके सो लोकल से भी कंफर्म हो गया, और मेरे ऑफलाइन मैप से कंफर्म हो गया। तो अब निकलते हैं वापस स्टूडेंट करके कोयूल की तरफ, और अभी हम उमरिंगला से जाके अब फोर्टीला जा रहे थे, क्योंकि हम हेनले आज हमारा स्टे है, और हेनले हम जा रहे हैं वाया फोर्टीला। तो फोर्टीला में अभी काफ़ी नीचे तो टायरबैक रोड था, आपको दिखा देता हूँ मैं, नीचे उतारो यहाँ से, नीचे तो काफ़ी टायरबैक रोड है, बट ये अभी लगभग 1.5 किलोमीटर से ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये मशीन यहाँ साइड ऑन, मतलब बीच रास्ते में खड़ी है मशीन, तो थोड़ा अभी साइड से लेना पड़ेगा। अरे नहीं तो उतार, बस चढ़वा दो, पूरा नहीं पूरा नहीं, थोड़ा सा पीछे जाओ, पीछे जाओ, ये गाड़ी ये मशीन है ना बीच में खड़ी करती है, जिस वजह से थोड़ा सा नीचे करना पड़ रहा है। आगे पूरा टायर मैक रोड है, फिर ये बीच में दो, देखो वो आपको सामने दिख रहा है ना, जहाँ से ऑफ रोड स्टार्ट हो रही है, लगभग 2 किलोमीटर का सेक्शन है जो ऑफ रोड था, बाकी पूरा पक्का, अभी नीचे दोबारा टायर मैक स्टार्ट हो गया है, तो गाड़ी निकल गई है, चलते हैं। ये भाई गाड़ी अपनी थोड़ी सफर कर दी है फोर्टीला चढ़ते वक्त, माइटी फोर्टीला भाई, ये सारी देखो सारी छोटी से ऊपर आ चुकी है, देख लो नीचे, हाँ ये देख लो आप, मतलब सारे पहाड़ छोटे लग रहे हैं फोर्टीला के आगे, ये है माइटी फोर्टीला, ये रैंकिंग में आता है 5th नंबर पे, और अभी हम पहला पास करके आ रहे हैं, तो 1st नंबर है उमरिंगला, और अब करेंगे 5th नंबर पे फोर्टीला। भाई ये फोर्टीला चढ़ते चढ़ते घंटा हो गया, आ ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ मिलेगा नीचे। आप देखते हो पहले टर्मैक था, उसके बाद थोड़ा ऑफ रोड हुआ, उसके बाद फिर टर्मैक हुआ, अब दोबारा ऑफ रोड ही चल रहा है लगातार कंटिन्यू, तो देख लो आप रूट। देखो वहां से देखो पूरा ऑफ रोड गया हुआ है, अब शायद बस लगभग थोड़ा सा फिट हुआ है, क्योंकि एलिवेशन हमारा लगभग 18,000 फीट हो चुका है, और 18,500 पे पड़ता है फोर्टीला, तो लगभग पहुंचने वाले हैं, देख लो बाकी रूट, अभी कंटिन्यू ऑफ रोड है, और मेरे ख्याल से टॉप तक ऑफ रोड ही रहेगा अभी। और भाई वो फाइनली पहुंच गए हैं फोर्टीला पास, 18,124 फीट प्रोजेक्ट हिमांग फोर्टीला पास, गाड़ी खड़ी फोर्टीला पास पे, और ये है कुछ ऐसा व्यू फोर्टीला पास का, मैं आपको दिखा देता हूँ टॉप व्यू कैसा है फोर्टीला पास का। उधर हम रोड से आ रहे हैं हम दूर से, और कंटिन्यू यार 27 किलोमीटर ये जहाँ से हम चढ़े थे स्टार्टिंग पॉइंट से, कंटिन्यू चढ़ाई है, टायरमैक ऑफ रोड, टायरमैक ऑफ रोड, लगभग 50-50% ऐसे चलता आ रहा है, और बिल्कुल चोटी पे आ चुके हम, ये देख लो आप, अब यहाँ से नीचे उतरना शुरू करेंगे। बाकी ये अपना 13वां पास है, मतलब 13वां पास है इस अनसीन लद्दाख रोड ट्रिप का, और उसके बाद भी अभी और भी रोड मतलब पासिस कवर करने हैं, लगभग 17-18 पासिस कवर करेंगे इस रोड ट्रिप पर। सो ये हमारा 13th है फोर्टीला पास, अब जो हमारा है जाएंगे हेनले, और हेनले में हमारा स्टे है, कल हम कल का क्या प्लान का वो सब मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ,
और बने रहे व्लॉग में। व्लॉग थोड़े लंबे होंगे बट इंटरेस्टिंग होंगे, आपको सारी नॉलेज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। चलो गाइस चलते हैं, चलो भाई चलो चलते हैं। सो गाइस ये रोड देख लो कितनी बुरी हालत में है, मतलब जब फोटिला से हम हेले उतर रहे हैं तो रोड की कंडीशन मतलब बदतर से मतलब खराब से खराब है यार। इसमें अगर थोड़ा सा कैमरा पर उठा भाई मतलब इसमें अगर पानी वानी चलता हो ना तो इतना स्लश बन जाए कि गाड़ी 4x4 में स्ट्रगल करे। आप हालत देख लो रोड की, लेकिन यहाँ रोड जैसे पहाड़ में चल रहे हैं, जीरो पे चल रही है भाई गाड़ी, जीरो पे स्पीड देखो कितना गंदा, अरे अरे बाप बहुत ज्यादा गंदा होता है। दिखाने मेरे को दिखाओ कैमरा एक बार पीछे से आपको बाहर से, ये देखो एक बार कितना गंदा रोड है। तो भाई हैनले से अगर फोटी ला रहे हो तो भाई सोच समझ के आना कितनी गंदी हालत है। 4x2 तो यहाँ भाई साहब आ ही नहीं पाएगी, 4x4 ही चल पाएगी देख लो। बल्कि उधर से इतनी दिक्कत नहीं है, जब हम उमिल्ला से फोटी लाते हैं तब टायर में और ऑफ रोड थोड़ा बहुत चलता है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, बट अब उधर टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देख लो आप कितना गंदा रोड है, देखो कंप्लीट ऑफ रोड है, देख लो भाई देख लो कितनी गंदी हालत है। बाकी व्यूज आप देख लो, व्यूज बढ़िया है, रोड गंदे हैं। देखो अंसी लद्दाख आप देख रहे हो सीरीज, ये देख लो भाई अंसी लद्दाख रोड ट्रिप। व्लॉग्स लंबे होंगे भाई बट इंटरेस्टिंग होंगे और नॉलेजेबल होंगे, आपको कुछ ना कुछ इसमें इंफॉर्मेटिव भी मिलेगा कि आपको जब आप रोड ट्रिप पर निकलो तो आप उस हिसाब से तैयारी करके निकलो। चलो भाई मिलते आगे। और हैनले पहुंच गए, हैनले 0 किलोमीटर, वेलकम टू 93 RCC। हमारे बोर्ड से 40 ले 55 किलोमीटर 28 किलोमीटर यहाँ से फोटीला, रैंको 43, लोमा 65 ले 247 किलोमीटर यहाँ से। ये व्यू है हैनले का। अब यहाँ होम स्टे देखते हैं, कोई होम स्टे या कुछ भी अगर अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है वो सामने पता करने गए गाड़ी लगा के एक बार। उधर भी कुछ प्रॉपर्टीज दिख रही हैं और उधर भी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, तो देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी रुकना सही रहेगा। आज का स्टे अपना हैनले में ही है, तो करते हैं पता, मिलते उसके बाद प्रॉपर्टी में मिलते हैं सीधा आपको, प्रॉपर्टी चेक करके कोई वहीं मिलते हैं आपको। गाइस हैनले तो पहुँच गए, बट हैनले पहुँच के हुआ क्या, हमारी गाड़ी गुम हो गई। मैं और जेडी भाई रूम देख रहे थे और अभिषेक और दीपांशु गाड़ी लेके पता नहीं काम चले गए, और ना उनका कोई फ़ोन है ना कुछ है, और हम यहाँ 16,000 फीट पे पैदल घूम रहे पिछले आधे घंटे से, ना पानी है तो लोड हो गया गाइस हमारे साथ, दो नूड्स को गाड़ी देने का नतीजा यही होगा। तो रूम तो मिला नहीं है, ऊपर से पैदल और टेम्परेचर हवा इतनी चल रही है और टेम्परेचर ही मतलब क्या सोचा टेम्परेचर भाई, देखते गाड़ी घूम रहे पैदल पैदल हैंडल में घूम रहे हैं, ये भी एक अलग एडवेंचर हो रहा है हमारे साथ। बाकी देखते हैं गाड़ी जब मिलती है, मिलती है ना उनका नंबर है, मेरे पास फ़ोन है तो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कैसे। चलो ढूंढते हैं, मिलते हैं तो मिलवाते हैं आपको उनसे। ओके एट द एंड हमें अपनी गाड़ी भी मिल गई है और होम से भी मिल गया स्टे के लिए, गाड़ी पार्क कर दी है, सामान भी निकाल लिया है, घूम सकते हैं अंदर प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आपको। एक ही रूम मिला है 4 बेड का, और दिस वन इज द प्रॉपर्टी, सारे बैठे हैं आराम से। मेरे को दिखा दो गाइस, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, मैं नहा के अपना व्लॉग एंड करूंगा। हां ये भाई अभिषेक कुछ ढूंढ रहे बैग में, कंडीशनर, ये देखो ये है ठीक है, ये बहुत बड़ा वॉशरूम है 1 BHK जितना।